आज मैं लेकर आया हूँ एक अफोर्डेबल एंट्री लेवल स्विस मेड वॉच, जिसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है और इस लग्जरी वॉच को लेने के लिए आपको लाखों रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, जितना नॉर्मली आप एक स्विस मेड रोलेक्स या रेडो वॉच के लिए पे करते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टीसो की, जो चांदी के भाव में सोना दे रहा है, वरना कुछ ब्रांड्स तो आजकल सोने के भाव पे बंगार दे रहे हैं। टीसो वॉचेस 170 साल पुरानी आइकॉनिक स्विस वॉच ब्रांड है। टीसो की शुरुआत हुई थी 1853 में और इसके फाउंडर थे चार्ल्स टीसोट। अच्छा, टीसो को मैथे टीसो से कन्फ्यूज मत करिएगा, टीसो और मैथे टीसो दोनों दो डिफरेंट कंपनीज है। टीसो एक स्वॉच ग्रुप की कंपनी है। स्वॉच ग्रुप में और भी बड़े वॉच ब्रांड्स हैं जैसे ओमेगा, लॉन्जिन, रेडो एक्सेट्रा। टीसो वॉचेस की खास बात है कि ये कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल प्राइस पे एक लार्ज कलेक्शन ऑफ ड्रेस वॉचेस प्रोवाइड कराती है, फ्रॉम क्वार्ट्ज वेरिएंट्स टू ऑटोमेटिक वेरिएंट्स। इंडिया में टीसो वॉचेस के कई सारे बुटीक्स अवेलेबल है और इवन ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे भी इनके वॉचेस मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वॉच की प्राइसिंग कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, वेलकम बैक टू वॉच गन हिंदी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा प्लीज़। बिरयानी हम सब लोग बना लेते हैं, पर वर्ल्ड की बेस्ट बिरयानी सिर्फ हैदराबाद में मिलती है। ऐसे ही वॉचेस हर गली नुक्कड़ में मिल जाएंगी, पर वर्ल्ड की बेस्ट वॉचेस स्विट्जरलैंड में ही बनती है, जिनको स्विस मेड वॉचेस कहा जाता है। एक स्विस मेड वॉच को हाथ में लेने से ही आपको महसूस होता है कि कितनी प्रीमियम हाई क्लास फिनिशिंग है। स्विस मेड वॉचेस में हाई एंड मटेरियल्स एंड टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज होता है और साथ में 100 साल से भी पुरानी वॉच मेकिंग हेरिटेज भी वॉच से जुड़ी होती है। यही सब रीजंस की वजह से एक स्विस मेड वॉच बहुत एक्सपेंसिव होता है और दुनिया की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार से लेकर बिजनेसमैन तक, सब स्विस मेड वॉच ही पहनना प्रेफर करते हैं। रोलेक्स, ओमेगा, कार्टियर, रेडो, पटेक फिलिप, ओडेमार्स पिगे, सब स्विस मेड वॉचेस हैं। जैसे मैंने कहा था, एक स्विस मेड वॉच की पैकेजिंग देखिए कितनी प्रीमियम है। तो इस रेड बॉक्स में टीसो का वॉच आता है। यहाँ देखिए टीसो की सारी फैक्ट्रीज। बॉक्स के अंदर वॉच के साथ ये 2 ईयर्स वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है। वॉच की तरफ बढ़ते हैं एंड आई मस्ट से दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस वॉचेस आई हैव एवर सीन। मतलब मैंने बहुत सारे वॉचेस को देखा हुआ है, बट इस वॉच में एलिगेंस एंड लग्जरीनेस साफ झलकता है। मैंने इसलिए भी इस वॉच को सेलेक्ट किया क्योंकि ये एक GMT वॉच है। इसमें ETA का स्विस मेड क्वार्ट्ज मोमेंट है और इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंट सफायर क्रिस्टल ग्लास भी लगा हुआ है। इस वॉच का नाम है टीसो ट्रेडिशन GMT। वॉच डायमेंशंस की बात करें तो ये एक 42mm डायल वाली वॉच है। मोस्टली सारे ही एवरेज साइज को आराम से सूट कर जाएगी। केस का थिकनेस है 11mm, 20mm का बैंड विड्थ है। केस की बात करें तो ये एक स्टेनलेस स्टील केस है, जिसके ऊपर प्रीमियम क्वालिटी पॉलिश्ड गोल्ड टोन की फिनिशिंग दी हुई है। ये क्राउन भी साइंड है। यहाँ टीसो की लोगो है टी लेटर वाली, और ये क्राउन के बगल में जो छोटा सा होल दिख रहा है, ये दिया हुआ है GMT टाइम को सेट करने के लिए। इस वॉच की वाइट डायल भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। इस डायल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये गोल्ड टोन हैंड्स एंड ये गोल्ड टोन इंडेक्स आवर मार्कर्स। एक ही अरेबिक नंबर है 12 o'clock पोजिशन पे। दो छोटे सब डायल्स है, 60 seconds वाला सेकेंड्स के लिए एंड 24 hours वाला GMT के लिए। छोटी सी डेट विंडो भी है। आउटर सर्कल पे मिनट मार्कर्स दिए हुए हैं। टीसो की ब्रांडिंग है, एज यूजल सारे ही टीसो वॉचेस में 1854 लिखा होता है, और नीचे 6 o'clock पोजिशन के पास लिखा हुआ है स्विस मेड। अच्छा, क्विकली बता दूं कि GMT वॉचेस और नॉर्मल वॉचेस में क्या डिफरेंस है। वेल, GMT वॉचेस में 4 हैंड्स होते हैं, नॉर्मल वॉचेस में 3 हैंड्स होते हैं। इस वॉच में 4 हैंड्स हैं, ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड एंड ये छोटे सबडायल में सेकेंड्स हैंड, और ये फोर्थ हैंड 24 आवर स्केल में GMT टाइम के लिए। GMT वॉचेस को पायलट्स यूज़ करते हैं सो दैट उनको ड्यूअल टाइम जोन्स या दो कंट्रीज का टाइम वो एक ही वॉच में देख सकें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फोन एक्सेट्रा। मेन डायल पे आपके एग्जिस्टिंग लोकेशन का रेगुलर टाइम सेट होगा, जैसे दिल्ली का टाइम, और GMT डायल पे आप सेट करेंगे आपके डेस्टिनेशन कंट्री का टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल दुबई का टाइम। GMT डायल को सेट करने के लिए इस क्राउन को सेकेंड पोजिशन पे पुल करना है, और फिर किसी नीडल टाइप टूल से इस होल को पुश करने से GMT हैंड मूव होगा, जिससे कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम सेट कर पाएंगे। ये पिन वगैरह से GMT टाइम सेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। टीसोर्ट को यहाँ एक डेडिकेटेड पुशर देना चाहिए था। ये ग्लास एक स्क्रैच रेजिस्टेंट सफायर क्रिस्टल ग्लास है। नॉर्मल वॉचेस में मिनरल क्रिस्टल ग्लास या एक्रेलिक ग्लास होता है, जिसमें स्क्रैचेस ईजिली आ जाते हैं, पर सफायर क्रिस्टल ग्लास बहुत हैवी ड्यूटी होता है। ना इनमें स्क्रैचेस आते हैं, ना ही ये ईजिली टूटते हैं। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें 30 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। डायल के पीछे एक फ्लैट स्टेनलेस स्टील केस बैक दिया हुआ है। टीसो की ब्रांडिंग है। यहाँ एक स्कैन कोड भी दिया हुआ है। इस वॉच में एक क्वार्ट्ज मोमेंट लगा हुआ है जो स्विस मेड है।
ETA कंपनी का मूवमेंट कैलिबर नंबर G10.961। याद रखिए, ETA इज किंग ऑफ स्विस मूवमेंट्स। ETA हाई एंड एंड हाईली एक्यूरेट वॉच मूवमेंट्स बनाती है, जिनको लाखों रुपए प्राइस वाले वॉचेस में यूज किया जाता है। अच्छा, इस टीसो वॉच में बैटरी भी स्विस मेड ही है, रेनाटा कंपनी का। बहुत सारे ब्रांड्स अपने वॉचेस पे स्विस मेड लिखते हैं और ऐसा पब्लिसिटी भी करते हैं, जबकि इन रियलिटी उनके वॉचेस किसी और कंट्री में बनते हैं, ना कि स्विट्जरलैंड में। कुछ वॉच पार्ट्स को ज़रूर स्विट्जरलैंड से मंगवाया जाता है और वॉच को असेंबल किया जाता है, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग अ वॉच दैट इज स्विस मेड, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेबल टू बाय अ वॉच दैट इज मेड इन स्विट्जरलैंड, लाइक दिस वन टीसॉट। इस वॉच में जो एलिगेटर स्टाइल ब्राउन लेदर स्ट्रैप आता है, इसकी खास बात है ये गोल्ड टोन वाला बटरफ्लाई क्लैप्स, जो एक लग्जरी एक्सपेंसिव वॉच वाला फील देता है। इस क्लैप्स पे भी टीसो की ब्रांडिंग करी गई है, लेदर स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है एंड स्ट्रैप पे भी टीसो की ब्रांडिंग मिलेगी। भाई ये वॉच बहुत अच्छा है, वेरी वेल मेड लग्जरी वॉच एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आपके वॉच कलेक्शन में एक स्विस वॉच जरूर होना चाहिए फॉर दो स्पेशल ओकेशंस। और इस टीसो वॉच का प्राइस भी उस वाले एक्सपेंसिव लुकिंग बट नॉट सो गुड वाले वॉच से भी कम है। इस टीसो वॉच को मैंने अपने एक फ्रेंड से मंगवाया था $150 में, यानी कन्वर्ट करने से अराउंड 12,000 रुपीस। बहुत इजीली लोग कहते हैं कि वॉच को इंपोर्ट करवा लो, बट अगर आप रिस्क ले सकते हो तभी आप इंपोर्ट के बारे में सोच सकते हैं। कभी कभी शिपिंग में वॉच गायब हो जाता है और सिर्फ खाली डब्बा हाथ में आ जाता है। कस्टम ड्यूटी 60% मान के चलो तो वॉच का प्राइस कितना हुआ, ये सब अंदर की बात कोई नहीं बताता। वैसे इंडिया में टीसो वॉचेस अवेलेबल है टीसो इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, हीलियोस की वेबसाइट पे, इथोस की वेबसाइट पे। अगर आपका बजट कम है पर आपको एक एंट्री लेवल स्विस मेड वॉच चाहिए तो 16,000 रुपये में आप ये वॉच देख सकते हैं, वाइट डायल वाला रोमन लेटर्स के साथ। याद रखिए, इसका डायल बहुत छोटा है, 38 mm। मैं सजेस्ट करूंगा 21,000 रुपीस में टीसो का PR100। इस वॉच की डायल भी थोड़ी बड़ी है, 40 mm, 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस है, स्टेनलेस स्टील मेटल ब्रेसलेट और क्लासिक सनबर्स ब्लू डायल। वैसे टीसो के दो ही आइकॉनिक वॉचेस हैं जो ग्लोबली वेल नोन है, एक है टीसो PRX पावरमेटिक 80, इस वॉच को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और दूसरा वॉच है टीसो C-Star, जो एक नो नॉनसेंस डाइवर वॉच है। हर रोज एक वीडियो की डिमांड होती है आप लोगों की, बट ऑफिस भी जाना होता है और शाम को फैमिली को भी टाइम देना होता है, बट जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियोस में मैं रियल आइकॉनिक वॉचेस के बारे में एक पॉजिटिव अवेयरनेस लेके आऊँ आप लोगों के सामने। आपने एक स्विस मेड वॉच पहना है या कोई 100 रुपये वाला फिटनेस वॉच पहना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली इंडिया में कोई नोटिस करने वाला भी नहीं है, बट आपको अगर फर्क पड़ता है तो आप सही चैनल पर आए हो। जल्दी से लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अभी चलता हूँ मैं, मुझे वो स्विस बैंक से फ़ोन आ रहा है ना।